जनगणना ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किस तरीके से देखिए, कल हमारे प्रयागराज जिले में 12 विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित मतगणना का आयोजन होना है। एक चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसमें हमारा पुलिस महकमा PSC के बल मिला है, पैरामिलिट्री फोर्सेस सभी की ड्यूटियां लगाई गई हैं, सभी की विधिवत ब्रीफिंग कर दी गई है, सभी मुस्तैद हैं, आपको कोई कमी नहीं नज़र आएगी। इसमें 3 सुरक्षा घेरे बनाए गए हैं, एक काउंटिंग हॉल के गेट पर रहेगा, दूसरा मंडी परिसर के गेट पर रहेगा और तीसरा मंडी परिसर के गेट से 100 मीटर की दूरी पर रहेगा, जहाँ पर भारी संख्या में पुलिस PSC और पैरामिलिट्री का बल लगाया गया है। इसके अलावा आसमानी सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी होगी और साथ ही साथ 50 छतों पर हैंड हेल्ड सेट, बायनाकुलर और असलहों के साथ हमारे पुलिसकर्मियों की रूफ टॉप ड्यूटियाँ लगाई गई हैं ताकि कोई भी खुराफाती तत्व तो वहां से बॉम्ब इत्यादि या कुछ अन्य ईंट पत्थर न फेंक सके, उसकी भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि काउंटिंग हॉल में किसी को भी मोबाइल फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं है और मंडी परिसर के गेट से 100 मीटर की दूरी पर जो सुरक्षा घेरा बनाया गया है वो केवल पैदल यात्रियों का जोन रहेगा, उसमें कोई भी वाहन अलाउड नहीं है। पैदल यात्री भी वही रहेंगे जो कि ऑथराइज्ड है, जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पास जारी किया है या जिला निर्वाचन अधिकारी ने पास जारी किया है या हमारे सिक्योरिटी के पर्सनल है जिनके पास वैलिड ID कार्ड है। उसके अलावा इनफैक्ट मतदान के जो काउंटिंग एजेंट्स हैं या पार्टी के जो एजेंट हैं या प्रत्याशी, इनके अलावा और कोई उसमें जा नहीं पाएगा, उनका प्रवेश वर्जित है और इसीलिए उस रोड पे जो कि GT रोड है उस पे ट्रैफिक को डाइवर्जन किया गया है कौसाम्बी से कोकराज से और धूमनगंज PSC के सामने से और मंदर मोड़ से, इस तरह की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। पार्किंग की पुख्ता व्यवस्था की गई, हाँ मीडिया बंधुओं के लिए ताकि वो अच्छे से कवरेज कर सके, उनके लिए एक मीडिया सेंटर बनाया गया है, उसमें मोबाइल फोन वो ले जा सकते हैं मगर कंडक्टेड उनकी विजिट कराई जाएगी, वो 5-5, 6-6 की संख्या में उनको जा करके ताकि वो कवरेज कर सके, मगर उसमें भी किसी EVM मशीन या काउंटिंग के किसी उसको फोकस नहीं करना है, जनरल रूप से वो अपना कवरेज करेंगे और उनको सूचनाएं भी समय समय से मिलती रहेंगी। हाँ, मतगणना समाप्ति के बाद अमूमन देखा जाता है कि कुछ लोग अति उत्साह में विजय जुलूस निकालते हैं, तो जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार विजय जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित है। अगर कोई इसको करता है, पहली बात तो उनकी ब्रीफिंग की जा रही है, अपील जारी की जा रही है कि कतई ऐसा ना करें, इससे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग चोरी छिपे लुका छुपी तरीके से करते हैं तो एकदम निश्चित जान लीजिए कि उनके पर कठोर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसी को कतई बख्शा नहीं जाएगा, किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी, किसी भी प्रकार का भ्रम कृपया ना पालें। बहुत बहुत धन्यवाद। काउंटिंग सेंटर्स के अलावा गांव में, शहर की गलियों में, वहां पर किस तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रहेंगे ताकि रिजल्ट आने के बाद किसी तरीके का तनाव ना हो? मंडी परिसर और काउंटिंग के लिए करीब 1,500 की फोर्स लगाई गई है जो कि बहुतायत में पैरामिलिट्री फोर्स हमको मुख्यालय से मिली हुई है, PSC फोर्स मिली है, लेकिन उसके कुछ रिएक्शंस के रूप में जो आपने कहा कि ये कई बार संभावना बनी रहती है कि कुछ इलाकों में, मोहल्लों में, कुछ ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में घटनाएं हो सकती हैं, तो उसके लिए भी वहां के थाना प्रभारियों को फ्री छोड़ा गया है, उनको कुछ बल भी प्रदान किया गया है, उनके सर्कल ऑफिसर्स को भी फ्री छोड़ा गया है कि वो उससे निपट सके। साथ ही साथ हम कई प्लाटून पैरामिलिट्री, कई प्लाटून PSC बल और अपने ज़िले की फोर्स से कमांडो दस्ता तैयार करके उसको रिजर्व में रखे हुए हैं ताकि शाम के समय अगर कोई हिमाकत करता है या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उससे सख्ती से निपटा जा सके।